क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो भारत के बाहर जॉब देख रहे हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हाय, मैं शिवानी, एचआर रिक्रूटर बीसीएम ग्रुप से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हंगेरी कंट्री के बारे में, वहाँ का कल्चर, इकोनॉमी और क्यों हंगेरी कंट्री एक अच्छी कंट्री है उन लोगों के लिए जो विदेश में जॉब देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हंगेरी कंट्री स्थित है यूरोप के मध्य भाग में। हंगेरी की कैपिटल बुदापेस्ट है, जो कि दानूबा रिवर में विभाजित है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार हंगेरी का पॉपुलेशन 10 मिलियन तक का है। हंगेरी की करेंसी हंगेरियन फॉरिंग है। एक हंगेरियन फॉरिंग बराबर 0.23 इंडियन रुपीज होता है। हंगेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज हंगेरियन है। यह कंट्री जानी जाती है अपने अद्भुत लैंडस्केप से लेकर रोलिंग हिल्स, कल्चर हेरिटेज, आर्किटेक्चर और शांत झील के लिए। हंगेरी का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस जनवरी से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस जुलाई में रहता है। हंगेरी कंट्री 1 मई 2004 से यूरोपियन मेंबर देश है। यह कंट्री आपको जॉब के बेहद अवसर प्रोवाइड करती है, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर सेक्टर और वर्कर्स के लिए। मेजर इंडस्ट्रीज जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म शामिल है। हंगेरी कंट्री को ही क्यों चुनें? यह कंट्री एक शेंगेन कंट्री है, जिसके वीजा पे आप यूरोप की बाकी कंट्रीज इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यह कंट्री आपको अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। यह कंट्री जानी जाती है अपनी सेफ्टी और लो क्राइम रेट्स के लिए भी। हंगेरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट 2018 से काफी इंक्रीज हुआ है। बड़े शहर जैसे कि बुदापेस्ट, मिस्कॉक, डेब्रिकन आपको ऑफर करते हैं हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी केवल 3.9% ही है। इंडियन टाइम के अनुसार हंगेरी कंट्री का वीजा सक्सेस रेट इंडियन सिटीजन के लिए भी काफ़ी हाई है और रिजेक्शन रेट केवल 12%। यह कंट्री का कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी यूरोप की कंट्रीज से काफ़ी सस्ता है। अब बात करते हैं वीजा प्रोसेस के बारे में। वीजा प्रोसेस आप पर डिपेंड करता है आपकी नेशनैलिटी पे, आपके रहने की ड्यूरेशन पे और वहाँ जाने के पर्पस पे। सबसे पहले आपको वीजा का टाइप जानना होता है, टूरिस्ट, बिजनेस, स्टडी या वर्क एम्प्लॉयमेंट वीजा। अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो आपका वर्क वीजा लगता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें से PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप भारत के बाहर जॉब करने जा रहे हैं तो आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वीजा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट, एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज वीजा फोटो, अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट, वाइफ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ्स और आपका PCC विद अपोस्टाइल। हंगेरी का प्रोसेस टाइम 3 से 4 महीने का होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आपका काम कम समय में भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आपको वीजा के अपॉइंटमेंट के लिए VFX सेंटर जाना होता है, जहां आपका डॉक्यूमेंट्स का पहले ऑथराइजेशन होता है, फिर आपका वीजा स्टैंपिंग होता है। 60 दिन के बाद आपको आपका पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए दोबारा जाना होता है। वीजा लगते ही आप हंगेरी फ्लाई हो सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर BCM ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं 9555446699। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपके दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज और नई वैकेंसी के अपडेट्स के लिए BCM ग्रुप को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।